Hello everyone. Welcome to Knockout Fixtures Part Two. In this video, we are going to discuss about the term called "by". So, what is "by" exactly? Let me tell you that "by" is a advantage, an advantage. an advantage or a privilege privilege to a team why is an advantage or a privilege to a team how 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 it is an advantage or a privilege to a team मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी एक आपको सीरीज बताई थी दैट इज टू फोर एट ये सीरीज पीछा नहीं छोड़ेगी टिल एंड जब भी हम नॉकआउट फिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर नॉकआउट फिक्चर्स ड्रॉ होते हैं And so on to, two to power N. ठीक है अब हम सबको पता है कि अगर हमें कोई भी आइडल फिक्चर ड्रॉ करना है तो अगर ये नंबर्स होंगे तभी हमारा एक आइडल फिक्चर ड्रॉ होगा जिसमें क्वार्टर फाइनल्स में चार टीम बाहर आएंगी ओके सो so, अब मुझे पता है कि अगर यहां पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ये आइडल सीरीज ना हुई तो फिर मैं नॉकआउट फिक्सर को कैसे ड्रॉ करूंगा पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं अगर हम बाई को सेट ना करें तो एग्जाम्पल लेटस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्स टीम्स कहने को तो सिक्स टीम एक ईवन क्वान्टिटी है आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यस यू ऑल आर कैपेबल टू ड्रॉ फिक्शर ऑफ सिक्स टीम्स Let's see, आप कैसे बनाओगे मेरे हिसाब से तो जैसे मैं बनाने वाला हूं यू आर गोइंग टू दैन का मैच टू से करवाओगे थ्री का मैच फोर से करवाओगे फाइव का मैच सिक्स से करवाओगे फिर इसका विनर निकलेगा फिर इसका विनर निकलेगा फिर इसका विनर निकलेगा, निकलेगा अब क्या करोगे आप अगर इनका मैच करवा दोगे तो फिर ये डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच रहा है अगर आप इनका मैच नहीं करवाते आप यहाँ से इन दोनों का मैच करवा देते हो तो फिर वर्ल्ड टू का विनर फाइनल्स में पहुंच रहा है तो ये डोंट यू थिंक इट्स अ पार्शियलिटी टू थ्री फोर फाइव सिक्स टीम्स कि एक टीम तो एक प्लेयर तो एक मैच खेल कर सीधा फाइनल में पहुंच रहा है और यहाँ पर वन टू एंड थ्री देर आर थ्री मैच फॉर दम तो जस्ट टू अवॉइड दिस केस वी सेट बाईज इन फिक्चर वट आर बाइज एग्जैक्टली बाईज आर ऑल्सो नोन एज इमेजनरी टीम्स इमेजिनरी टीम्स इमेजिनरी टीम्स अब वो कैसे मैं फिर से लिख रहा हूं अपना वही सेम नंबर सीरीज दैट इज टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू एंड सो ऑन टू टू रेस्ट टू पावर एंड ठीक है इमेजनर टीम्स कैसे अब हमें यह पता है कि अगर हमारे पास सिक्स टीम्स हैं तो हमारी एक आइडल फिक्चर ड्रॉ नहीं होगी हमारा फिक्चर सही से नहीं ड्रॉ पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि या तो फिक्चर ड्रॉ होगा फोर टीम्स का ठीक से या फिर एट टीम्स का ठीक से ऐसे या तो सिक्सटीन का ड्रॉ होगा या थर्टी टू कट होगा तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास दो कंडीशन है कंडीशन नंबर वन या तो हम इन सिक्स टीम्स में से किन्हीं दो टीम्स को बोले कि सॉरी जेंटलमैन यू हैव टू लीव आपको ये टूर्नामेंट छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमें फिक्चर ड्रॉ करना नहीं आता सिक्स टीम्स का ठीक है ये तो होगा केस नंबर वन जो कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं करेगा यूज नाउ द केस नंबर टू केस नंबर टू इज हम इस सिक्स के फिक्चर को एट में कन्वर्ट कर दें राइट right? अगर सिक्स के पिक्चर को हम एट में कन्वर्ट कर दें तो हमारा एक आइडियल पिक्चर ड्रॉ हो जाएगा तो अब हम क्या करें इसको एट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे हम किन्हीं दो टीम्स को एक ऐसा प्रिवलेज देंगे कि वो डायरेक्टली कि वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में चली जाए राइट right? अब वो प्रिवलेज कैसे मिलेगा नाउ इट्स टाइम फॉर सम कैलकुलेशंस देखो कि आप बाई फाइंड आउट कैसे करते हैं ओके सपोज नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड नंबर ऑफ टीम्स टीम्स क्या थी नंबर ऑफ टीम्स एन इक्वल्स टू सिक्स नाउ नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी माइनस वन इक्वल्स टू फाइव नाउ नंबर ऑफ बाइज की हम कितनी बाइज दें कि हमारा जो रूटीन है हमारा जो एक सिंकनाइज वे में हमारी फिक्सर ड्रॉ हो जाए तो बाइज हम कितनी देंगे टीम्स थी सिक्स है ना और हमें सिक्स को कन्वर्ट करना था एट में मतलब हम एट का फिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें दो टीम्स हमारी इमेजिनरी होंगी तो विल माइनस एट फ्रॉम सिक्स ऑल्सो नोन एज टू रेस टू की पावर एन माइनस एन दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टू रेस्ट टू की पावर एन माइनस एन ठीक है एट माइनस सिक्स इक्वल्स टू टू यू हैव टू अरेंज टू बाइज इन अ अच्छर ऑफ सिक्स टीम सो दैट सो दैट द मैचेस विल बी सिंक्राइज सो लेट्स ड्रॉ द फिक्सर नाउ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है अब क्या है हम दो टीम्स को देंगे प्रिविलेज ऑफ बाई अब मुद्दा यह है कि किन दो टीम्स को हम सेकेंड राउंड में प्रमोट करेंगे तो इसका एक रूल है टू सेट बाईस बाइस का रूल क्या है दैट फर्स्ट बाई फर्स्ट बाई विल ऑलवेज बी गिवन टू द लास्ट टीम ठीक है ये बात ध्यान रखनी है हमेशा सेकेंड बाय सेकेंड बाय विल बी गिवन टू फर्स्ट टीम टीम ठीक है और इसी को हम बार बार रिवर्स कर वो रिपीट करते रहेंगे लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट ठीक है अभी तो हम सिक्स की बना रहे हैं हमने सिक्स का पिक्चर ड्रॉ करना है इसलिए हमने 8 के फिक्स्चर को चुना और दो बाइस डिसाइड करी सपोज करो अगर कर होता 9 8 की जगह 9 होता तो हम क्या करते 8 का फिक्स्चर तो बनता नहीं तो फिक्स्चर बनता 16 का मतलब हमें कितनी बाय देनी होती उसमें 16 9 दैट मींस 7 बायस ठीक है तो 7 बायस का हम फिर वही पैटर्न फॉलो करते सो लेट्स सी नाउ वी हैव टू सेट 2 बायस फर्स्ट बाय विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द फिक्स्चर Second by first team of the fixture, okay, so let's draw the picture now First match will be played between two and three second match will be played between four and five then for the round two and Then the finals We will, will decide this will be round one. This will be round two and this will be round three I hope you understood and thanks for watching. So, this is the buy formation of buy when the number of teams are even. Thank you.